हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और 5 PM स्पेशल सेशन जो SSC स्पेशल होता है उसमें आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट, हमने ऑलमोस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टाइप के क्वेश्चन देखे, तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके SSC एग्जाम्स में पहले आए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एप्टी गुरु चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स को वीडियो भी शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड इन कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज दिस। फाइंड द सम। देखो 10%, वैसे मैंने जनरली आपको बोला है एक टेबल याद करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक टेबल मैं बताता हूं कि जैसे 5%, 10% और 20% ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, तो मैं ये आपको जनरली कह देता हूं कि ये याद कर लिया करो। क्या क्या याद करना है कि आपको 2 ईयर में टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 ईयर्स में कितना मिलेगा और 4 ईयर्स में कितना मिलेगा। 5% पे 2 ईयर्स में हमेशा 10.25% इंटरेस्ट मिलता है, 3 ईयर में 15.76% और 4 ईयर में 21.55%। आप ये डायरेक्ट याद रखेंगे, बार बार कैलकुलेट करने से मुश्किल होता है, अदरवाइज हम कई बार फ्रैक्शन भी यूज करेंगे, बट ये अप्रोक्स आपको आइडिया दे देता है कितना आंसर आएगा। तो 10% में 2 ईयर में 21, 3 ईयर्स में 33.1% और 4 ईयर में 46.41% ये आपको इंटरेस्ट मिलता है, और 20% पे 2 ईयर्स में 44% और 3 ईयर्स में 72.8%। बस इतना याद रखें, इसको छोड़ दें, ये आपको डेटा आप याद रखेंगे कॉमनली, मतलब जो पूछा जाता है इतने इतने वैल्यूज। जैसे इसी क्वेश्चन में जब 10% था और 4 ईयर और 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना था, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि 10% में 2 ईयर में 21% और 4 ईयर में इतना मिलता है, तो जो डिफरेंस होता है वो 25.41% ऑफ द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का इतना डिफरेंस होगा और ये दे रखा है आपको 5082, इसका मतलब आपको प्रिंसिपल बताना था। देखो इसको मैं हटा देता हूं, 2 जीरो और लगा देता हूं, और इसका डबल यहां दे रखा है, तो प्रिंसिपल मेरा आ गया 20,000। राइट, कितना आसान हो गया क्वेश्चन अगर मुझे ये वैल्यूज पता थी। वैसे भी हो जाएगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लोग जो रेशियो से करते हैं, फ्रैक्शन से करते हैं, उससे भी हो जाएगा कि 2 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका, जैसे 10% है तो 11/10 करके आप करते हो, बट या ट्री मेथड से आप उसको करते हो, बट ये स्टैंडर्ड वैल्यू 5%, 10%, 20% की, तो आप पक्का याद रखें, इससे बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ टाउन इज दिस, इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीजेस एनुअली एट द रेट ऑफ 5%, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर 2 ईयर। अब मैं अगर वैसे देखूं तो ये चॉइसेस बहुत खराब लिखी हुई है, राइट, चॉइसेस बहुत ही खराब लिखी हुई है, क्योंकि ट्रीज को बढ़ना है तो इससे ज्यादा ही ट्री होंगे, तो ये तो तीनों ऑप्शन आपकी आंसर ही नहीं थी, इसका मतलब आंसर तो पक्का यही है। चॉइसेस पे आप हमेशा आप नजर रखा करें, कई बार ऐसी चॉइसेस भी हो जाती है, खराब ऑप्शंस। ओके, बट अगर मैं 5% बढ़ाता और 2 साल बाद देखता, तो आप फ्रैक्शन से कर सकते थे कि 5% का मतलब होता है 1/20 का बढ़ाना, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा वो, तो 21/20 हो जाएगा, फिर 21/20 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। अब मैं एक जीरो तो कैंसिल ही कर देता हूं और 2 से कैंसिल कर देता हूं, 2 और 2 4 से कैंसिल कर देता हूं, 4 से कैंसिल करूंगा तो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 1। अब ये भी 21 का स्क्वायर है, ये भी 21 का स्क्वायर, 441 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 441 का स्क्वायर, राइट, बाय 10। अब 441 का स्क्वायर, वैसे मैं कहूं कि 44 का स्क्वायर क्या होता है, 44 का स्क्वायर 50 में से 6 कम है, 25 में से 6 करोगे 19। देखो 440 का अगर होता है, 440 × 440 होता, राइट, तो हमारे पास
19, 4, 6 का मैं 36 इतना आ जाता, बाय 10 था तो वो एक जीरो कट जाती, 19, 360 उससे हल्का सा ज्यादा आएगा क्योंकि 441 है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके नहीं तो 5% 5% दो बार इंक्रीज करना तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है, आप 17640 में 5% इंक्रीज कर दो, राइट। वैसे मैंने आपको यह भी बताया कि 5% दो साल मतलब आपको 10.25% का इंक्रीज मिलेगा, पहले 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दिया, अब 0.25 होता है 1% का 1/4, 1% इसका वैल्यू है 176, उसका 1/4 करोगे तो ये 44 और बढ़ा दो तो टोटल आपका 844 14 1, तो यहां पे आ गया 4191, तो एक मिनट 448 था ना, हाँ तो ये 1749448 था, तो यह आंसर 1949450 होगा, राइट, या 19448 होगा। ओके तो जो भी है डी ऑप्शन आपका नियरेस्ट ऑप्शन वही करेक्ट आंसर होगा। ओके तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन टू इयर्स एट 12% पर एनम इज 10176, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। देखो 12% पे दो साल में इंटरेस्ट मिलेगा कितना, राइट। हमेशा दो साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर लॉजिकली सोचो मतलब फॉर्मूला वाइज सोचो तो ये होता है 2R + R² / 100%, यानी के 12% है तो 12 × 2 = 24, 12² / 100 = 144/100 = 1.44, यानी 25.44% कितना होता है 1/4 के पास, 1/4 से थोड़ा ज्यादा, राइट। ये जो वैल्यू है ये किसके 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट, सी ऑप्शन के, उसका 1/4 होगा 10,000 से हल्का सा ज्यादा, बाकी सारों का 1/4 तो देखो कितना ज्यादा ज्यादा है, पहले 1/4 ही ज्यादा आ जाएगा उनका, तो लॉजिकली एक ही आंसर पॉसिबल है सी ऑप्शन, राइट। वैसे टोटल इंटरेस्ट आपका 25.44% बनता है, तो इसका 25% देखो 25% तो 1/4 है, वो तो 10,000 आ ही जाएगा, और 0.44% 44 × 4 = 176, तो वो भी आ जाएगा, राइट, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं थी, हम अप्रोक्सीमेट भी करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, परसेंटेज में जब इंटरेस्ट वगैरह होता है तो बहुत इजीली आप गेस कर पाते हो ज्यादातर केसेस। अब यहां कह रहा है सम ऑफ रुपीज 8,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू दिस इन अ सर्टन टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 5% हो जाएगा, और देखो 8,000 जो है वो 20 का क्यूब है, और 9261 जो है वो 21 का क्यूब है, तो 21/20 मतलब 5% का गेन, तो तीन बार होगा क्योंकि क्यूब है, तो ये तीन इंटरवल होंगे आधे आधे साल के, राइट। देखो जहां 20 to 21 क्यूब रेशियो आ रहा है, मतलब तीन इंटरवल ना, एक एक इंटरवल हाफ ईयर का है, तो ये 1.5 ईयर टाइम होगा, तो टाइम गिवन नहीं था, वो हमारा निकल गया 1.5 ईयर्स, राइट। ये समझते हैं ना आप बात को, कि अगर मेरा 8000 देखो 8000 और 9261 का रेशियो, अगर ये 20 क्यूब और 21 क्यूब का रेशियो है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2120 से मतलब 1 का इंटरेस्ट ऑन 20 है, मतलब 5% है, यही होता है तीन इंटरवल में 20 क्यूब 21 क्यूब का, ओके 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, और जो हाफ ईयरली है और 1.5 ईयर है। अब वो कहता है ऑन द सेम सम, अच्छा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम टाइम एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% जो रेट था वो 20% हो गया इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अब डेढ़ साल में, राइट, 20% अब डेढ़ साल में कंपाउंडेड एनुअली कैसे लगता है, राइट, आपका जो प्रिंसिपल होगा उस पर पहले 20% रेट लगेगा, राइट, यानी कि 1/5 हो गया इसका 1600, यानी कि 9600 हो जाएगा, राइट, ये तो हो गया आपका पहले साल में, राइट, 20% इसका। अब इस पे लगेगा
20% हाफ ईयर का मतलब 10%, तो अब 10% और मिलेगा क्योंकि आधा साल है, डेढ़ साल पे लगाना था, टाइम तो सेम रखना है ना, राइट, सेम टाइम, तो इसका मतलब आधे साल में अब 10% मिलेगा और वो 960 होगा। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, पहले 1600 अब 960, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 2560, राइट, 2560 आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब वैसे फिर से मैं थोड़ा लॉजिकली की बात करता हूं कि लॉजिकली सोचते तो मेरे को पहले ही 1261 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था 8000 से इतना। ओके, ये मुझे पहले ही इंटरेस्ट मिल रहा था। अब अगर रेट को डबल कर दूंगा, रेट को डबल कर दूंगा तो कम से कम इसका डबल तो मिलना ही चाहिए, राइट, कम से कम। बट जब रेट डबल होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो डबल से ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूं तो 10% में दो साल पे आपको 21% मिलता है, 10% में दो साल पे 21%, बट अगर 10 की जगह 20% कर दो तो दो साल में 44% मिलता है। अब 21 का डबल तो 42% था बट आपको 44 मिलता है, यानी कि रेट डबल होने से कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो डबल से भी ज्यादा हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो जाता है अगर रेट डबल। ओके, तो यहां पे डबल से ज्यादा एक ही ऑप्शन थी, 2560 आपका डबल 2522 आ रहा था, आपने रेट डबल की है तो उससे ज्यादा होना चाहिए था आंसर, एक ही ऑप्शन थी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A certain sum of money triple itself in 5 years at simple interest. In how many years it will be 5 times. अब देखो simple interest में interest से मिलता हर साल। तो जब कोई money triple हो जाती है, तो उसमें interest 2p मिलता है ना? Interest तो यही मिलता है। इसको लगे 5 साल। अब वही money मैं चाहता हूँ कि 5p हो जाए, तो interest 4p चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट डबल चाहिए, इंटरेस्ट डबल चाहिए तो टाइम भी डबल लगेगा, तो मतलब 10 साल लगेंगे। इंटरेस्ट डबल चाहिए, पहले इंटरेस्ट 2p मिल रहा है, अब इंटरेस्ट 4p चाहिए, पहले p से 3p हुआ था, अब p से 5p हुआ, तो इंटरेस्ट पहले डबल था अब 4 times, तो इंटरेस्ट डबल हुआ तो टाइम डबल लगेगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A borrows a sum of rupees 90,000 for 4 years at 5% simple interest. He lends it to B at 7% for 4 years at SI. SI में मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, SI हमें होता है R into T percent of the principal. तो पहले केस में जब उसने लिया है किसी से 4 साल 5%, यानी के 4 into 5 आपका 20% जो है इंटरेस्ट आपको देना है, वापस करना है, बोरो किया ना उससे, उसको तो 20% तो वापस करना है। बट आपने उसने ए ने आगे लेंड कर दिया, वो 7% 4 years, 4 years 7%, यानी के 28%, तो फायदा कितना कमाएगा, 8% ऑफ 90,000, वो कितना होता है 1% 900, 8% 7200, राइट। ओके, बहुत आसान है, आर इंटू टी परसेंट का डिफरेंस ले लो, उसको 20% वापस करना था, 28% उसको मिलेगा, 8% का फायदा हो जाएगा, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अ सम ऑफ रुपीज 15,000 इज लेंट एट 16% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। देखो किसी ने अगर ऐसा बोला हो ना, डिफरेंस ऑफ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, तो हम सीधा बोल देते हैं कि पी आर स्क्वायर बाय 100 square, वही फॉर्मूला जो आप कहते हो कि सी आई ऑफ 2 years माइनस एस आई ऑफ 2 years, ये भी सेम फॉर्मूला होता है, पी आर स्क्वायर बाय 100 square, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का, ये यूज करेंगे, उसने थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का कहा है, बट आप फर्स्ट ईयर के बाद वाला जो अमाउंट बन रहा है फर्स्ट ईयर के बाद, उसे सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल एक्ट करवा दो, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा सेकेंड और थर्ड ईयर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं,
कि सपोज प्रिंसिपल यहां था, ओरिजिनल प्रिंसिपल, वन ईयर के बाद, फर्स्ट इंटरवल के बाद यहां हो गया अमाउंट, लेट से पी वन बन गया ये। अब एक साल और के बाद, सेकेंड इंटरवल के बाद यहां वो पी टू बन गया, और यहां थर्ड ईयर के बाद यहां बन गया पी थ्री, राइट। अब वो पूछ रहा है यहां वाला जो इंटरेस्ट उसे मिला और यहां वाले इंटरेस्ट में डिफरेंस, इस इंटरेस्ट और इस इंटरेस्ट में डिफरेंस। हम बोलते थे कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में डिफरेंस है, वो हमें पता है पी आर स्क्वायर बाय हंड्रेड्स में। तो क्या मैं ये वाला पी अगर निकाल लूं, पहला इंक्रीज कर दूं, तो ये अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले मिल जाएंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो फॉर्मूला इस पी पे, यानी कि इस पी के ऊपर वही पी आर स्क्वायर बाय हंड्रेड स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये 15,000 है, इसमें अगर मैं 16% बढ़ाता हूं तो इसका 16% डायरेक्ट ले लो, कितना 15 × 16 = 240 होता है, तो इतना इंटरेस्ट आ गया। तो इतना हो गया आपका ये वाला प्रिंसिपल। तो अब पी आर स्क्वायर बाय हंड्रेड स्क्वायर लगा दो, 17,400 पे आर स्क्वायर 16 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, दो जीरो यहां पे हटा दी, इस 100 को आप छेड़ो नहीं, राइट, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। उसने डिफरेंस ही पूछा था ना इंटरेस्ट का, यस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, या तो 16 को पहले आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, या क्योंकि 16 का टेबल आता उसे दो बार कर लेना। वैसे तो लास्ट डिजिट दिख रहा है 4 आएगा और नीचे दो डेसिमल भी आएंगे, तो ऑप्शन तो सिर्फ ए ही हो सकता है, राइट। लास्ट डिजिट 4 आएगा बट दो डेसिमल भी आएंगे, क्योंकि इंटीजर आ नहीं सकता, बाय 100 है और 5 कैंसिल नहीं हो रहा, ओके। तो दो डेसिमल भी आएंगे और लास्ट में 4 आएगा, तो ए ऑप्शन क्लियर था। मल्टीप्लाई करना था, आप 16 को पहले कर लेते, 16 × 4 = 64, 16 × 7 या 16 × 17 सीधा कर दो, 256 + 16 = 272, 272 + 6 = 278। अब फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 4 = 64, 6 carry, 16 × 128 + 6 = 34, 4 13 carry, 16 × 7 = 112 + 13 = 125, 12 carry, 16 × 32 = 44। तो ये आ गया बाय 100 है, तो पॉइंट यहां लग गया 445.44, बट लास्ट डिजिट देख के आपने पहले ही आंसर कर चुके थे तो जल्दी कर सकते थे, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल। 3 साल बाद अमाउंट दे रखी है, राइट। हमने कहा था 10% 3 ईयर पे टोटल इंटरेस्ट आपको मिलता है 33.1%, राइट। तो अमाउंट क्या हो जाती है, अमाउंट क्या हो जाती है कि प्रिंसिपल का 133 पॉइंट, सो प्रिंसिपल का 133.1% इज इक्वल टू 5324। ये पक्का, सॉरी 5324, तो ये पक्का इसका मल्टीपल होगा 13 × 4 = 52, 31 × 4 = 124। यस, पूरा 4 से जा रहा है, ये डेसिमल के लिए 0 नीचे लगा लो, तो प्रिंसिपल आ गया 4000, राइट। 10% 3 ईयर्स। अदरवाइज लोग जो याद नहीं रखते वो ऐसे करते हैं, ऐसा कर सकते हो आप कि प्रिंसिपल को 10% मतलब 11/10 हो गया, फिर 11/10 हो गया, फिर 11/10 हो गया, और ये फाइनली आपका 5324 हो गया। अब 11 का टेबल आपको आते हैं, 11 × 4 = 44, 9 × 8 = 444, और ये 121 × 4 है, तो प्रिंसिपल 4000 आ गया, राइट, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर एट रेट ऑफ 7% and 9%, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने कहा था R × T% ऑफ द प्रिंसिपल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल 7%, 5 × 7 = 35%, 3 ईयर 9%, 3 × 9 = 27%, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज 8%। सो 8% ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 475, तो प्रिंसिपल बताना है,
राइट 8 से कैंसिल कर दो, 8 इंटू 5 40, 7 5 8 इंटू 9 72, 3 0 8 इंटू 3 24, 6 0 8 इंटू 7 56, 4 0 5। तो ये डिजिट्स आ रहे हैं, ये डिजिट किस में है, देखो इसमें है, डिवाइड करते तो इसका मतलब यहां पे आता 59.375 और बाद में इंटू 100 होता तो 5937.5। बट डिजिट्स मैटर करते हैं कि कौन से डिजिट आ रहे हैं, आप 8 से डिवाइड पूरा कर दिया हमने, सो 5937.5 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आओ, अ सम ऑफ रुपीज 3125 अमाउंट टू रुपीज 3515.20 इन 3 इयर्स एट एक्स परसेंट पर एनम। चलो किसी पे तो बनती होगी, एक्स परसेंट निकल सकता है कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम टाइम एट एक्स प्लस 2%। ओके, देखो इस क्वेश्चन का मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं। वो कह रहा है कोई भी, ये जो नीचे आंसर आएगा कि x प्लस 2% पे, आपको लगता है x जो निकलेगा वो बहुत फ्रैक्शन में पॉइंट सम परसेंट निकलेगा, ज्यादातर x इंटीजर निकलेगा, हो सकता है 0.5। आप ये नीचे वाली वैल्यूज को देखो, ये अप्रोक्सीमेटली, ये सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 550 के पास है। ये मेरे प्रिंसिपल का कितना परसेंट बनेंगे, 550 होगा तो अप्रोक्सीमेटली 31 into 131 240, अप्रोक्सीमेटली 18%, और 3 साल का है, और 3 साल का होगा तो 6%, यानी कि 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर ये 6% होगा x प्लस 2, तो x 4% आएगा। आप टेस्ट कर सकते हैं कि x 4% आना चाहिए, बट आपको आंसर देने के लिए x x निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आपका अप्रोक्सीमेट यहां पे आ रहा है 6%, तो आप पूरा 6% निकाल दो। 3125 का 6% होगा कितना, देखो 25 into 4, ये तो 5 की पावर 5 है, तो 25 into 125 होगी ये, तो 125 into 6 कर लो या 4 से और कैंसिल कर लो, 375/2, राइट। अच्छा 3 इयर्स भी थे, ये तो 6% निकाला, 3 इयर्स, 18% निकालना था, तो इंटू 3 भी आएगा, तो इसका मतलब 37 into 300 11 1125/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 562.5 बी आंसर होगा आपका। मैं क्या बोल रहा हूं कि आंसर जो नीचे लिखे हुए हैं वो अगर आपके अप्रोक्सीमेट 18% बन रहे हैं, तो 3 साल में 6-6% का रेट आता होगा, आप 6% के हिसाब से 18% एग्जैक्टली निकाल दो कितना आता है। तो वो इनमें अगर चॉइस में है, आपको लगता है देखो 562.5 आ रहा होगा, अगर ये 18% है तो इसके आसपास कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर वो 6% पर एनम ना आता, मतलब एक्स 4% ना आता, तो 4.5 आता, 4.5 से 6.5 हो जाता, 6.5 इंटू 3 19.5 हो जाता, तो जब ये 18% के पास है तो 19.5 कैसे हो सकता था। देखो 562 है, अगर आपको 1.5% का चेंज करना है, राइट, तो कम से कम आपको 50 का चेंज करना पड़ेगा, यानी 562 से ये 600 प्लस हो जाएगा, राइट। ऐसे ही 0.5 भी अगर x में चेंज करता हूं तो टोटल में 1.5% का चेंज आ रहा है, और 1.5 31 का 50 के करीब हो जाता है, तो 50 ऊपर नीचे तो चॉइसेस ही नहीं है। ओके, तो इसमें तो सीधा ही आंसर आ जाता, आप चेक करना है, वैसे आपको परसेंटेज ऊपर निकालना है, वो एग्जैक्टली 4% निकलेगा, आप उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद आप उसको पुट करोगे, बट उसके सब सीधा तरीका होता है, आंसर चेक करो कितने परसेंट के आसपास है, अब वो 3 into क्या बनेगा, मतलब उस परसेंटेज को एग्जैक्ट निकाल दो, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल दिस अमाउंट टू दिस, टू इयर्स, राइट। तो इसका मतलब तो वैसे तो ये कह रहा है कि 1250, राइट, चलो 1800 1250 बना कितना है, पहले ये देख लो, ये हो गया 536, ये हो गया 525, यानी के 11 का इंक्रीज है। वैसे तो ये 2 इयर्स का है, तो इसको सीधा ही देख लो, ये किसका स्क्वायर है, ये 6/5 का स्क्वायर है, यानी के 6/5 आपकी रेट है 1 increase on 5, विच इज 20%। जब आपका 20% का इंक्रीज होगा, इसका मतलब आप 6/5 करोगे, 2 साल करोगे,
तो अपने आप 36/25 आ जाएगा, राइट, जो कि 11 का इंक्रीज ऑन 25, 44% नेट प्रॉफिट नेट हो जाएगा इंक्रीज, बट 20% पर एनम। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ फिर। अ सम ऑफ रुपीज 2700 अमाउंट टू 8100 इन 4 इयर्स, 16 इयर्स में कितना बनेगा ये पूछा है। ये तो जीपी चलती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2700 अगर आपका बन गया 8100 इन 4 इयर्स, तो रेशियो क्या है 1:3, तो अगले 4 इयर्स में फिर 1:3 होगा और ये बन जाएगा 243। अगले 4 इयर्स में फिर 1:3 होगा और ये बन जाएगा 729। अगले 4 इयर्स में फिर 1:3 होगा तो 7321 2187। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 16 साल हो चुके हैं आप 1:3 1:3 1:3 करके, यानी कि 3^4 81 टाइम्स आपको करना था, 27 × 81 ही आपका आंसर आ जाता। ओके बट तिगुना तिगुना 4 बार कर दिया, हो गया राइट। चलो तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्रेंड्स को वीडियो शेयर भी करते रहे। और ये हमारा रूटीन शेड्यूल रहता है, रोज सुबह 10 बजे मैथ्स का फंडा, एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का कंसेप्ट वीडियो होता है, अच्छे अच्छे मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स या मैथ्स के फंडे सिखाता हूं आपको। रोज 5 बजे एसएससी वाली कंसेप्ट क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस होते हैं। 8:00 डेली बैंकिंग स्पेशल चलता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंसेप्ट क्लासेस, देन थर्सडे फ्राइडे डीआई क्लासेस, सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके तो सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।